नमस्कार, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। उत्तर प्रदेश के बांदा में किसानों के साथ बबेरू मंडी में की जा रही दिन दहाड़े लूट के संबंध में जनसेवक ने शपथ पत्र के माध्यम उप जिलाधिकारी बबेरू से की शिकायत। पूरा मामला तहसील बबेरू अंतर्गत उत्पादन मंडी समिति बबेरू का है, जहाँ व्यापारियों के द्वारा किसानों का धान खरीदी जा रहा है, लेकिन धान की तोल 62 किलो 250 ग्राम की जाती है, परंतु भुगतान 60 किलो का दिया जाता है। साथ में भुगतान पर 2% की अतिरिक्त कटौती करके भुगतान दिया जाता है। आज पुनः उप जिलाधिकारी महोदय बबेरू के समक्ष शपथ पत्र देकर तत्काल व्यापारियों के लूट द्वारा लूटा हुआ अतिरिक्त धन वापस दिलवाने व दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने का आग्रह किया। उप जिलाधिकारी महोदय बबेरू ने भरोसा दिलाया कि हम शीघ्र व्यापारियों की जांच कर किसानों की समस्याओं का समाधान करेंगे। संपाददाता हिरमन यादव की रिपोर्ट। जनसेवक जी, आज किस समस्या को लेकर के आप बबेरू तहसील आए हैं? आज बबेरू तहसील हम इस समस्या को लेकर के आए हैं, जो समस्या पूर्व कई महीनों से हम लोग किसानों के साथ जो धान खरीद मंडी बबेरू में सचिव साहब व व्यापारियों की मिली भगत से किसानों को दिन दहाड़े लूटा जा रहा था। 62 किलो 250 ग्राम की तौल होती है, लेकिन किसानों को 60 किलो का ही पैसा दिया जाता है। इस संबंध में जब किसान बात करता है तो सुखवन और बोरा के नाम से शेष तौल को काट दिया जाता है, प्लस जब भुगतान होता है तो 2% अतिरिक्त कटौती की जा रही है। कुल मिला के दिन दहाड़े लूट किसानों के साथ की जा रही थी। किसान महापंचायत भी हुई, जागरूक किसानों ने भी आवाज़ उठाई, हम समाज सेवियों ने भी उच्च अधिकारियों की आवाज़ उठाई, जिसका संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार उप जिलाधिकारी महोदय बबेरू ने हमसे शपथ पत्र के साथ शिकायत करने का आह्वान किया कि मैं निश्चित तौर पर कार्रवाई करूंगा। किसानों का जो गमन किया गया है ये धन, अवैध वसूली की गई, उसको वापस कराते हुए दंडात्मक कार्रवाई। उस समक्ष में हम लोग आज शपथ पत्र के माध्यम से शिकायत करने बबेरू SDM साहब के पास आए हैं। हमें निश्चित भरोसा है, विश्वास है कि इन पर कार्रवाई होगी और जो किसानों के साथ लूट हुई है किसानों को वापस दिलाया जाएगा। और जब तक ये कार्य नहीं होता तब तक अनगिनत साथी हमारे साथ लग करके हम लोग अंतिम लड़ाई को पहुंचाने का काम करेंगे। आपका नाम? PC पटेल, जनसेवक।